नमस्कार साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एस जयशंकर इंडिया के टफेस्ट एग्जाम का टॉपर है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले IFS रह चुके हैं और इतना ही नहीं, दुनिया भर के नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है। दोस्तों, भारत की ये एक ऐसा विदेश मंत्री है जो रूस, अमेरिका और चीन को भी नहीं बकसता, इसलिए पूरे दुनिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर छाए हुए है और भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक में एस जयशंकर का कद बहुत ही बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, एस जयशंकर के तीखे जवाबों का दीवाना आज पूरे भारत देश है। इसीलिए भारत देश के लोग कभी कभी कहते हैं कि एस जयशंकर के पीछे का जो भी ताकत है ना, उसके पीछे का हाथ नरेंद्र मोदी का है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न जो है सो चलता रहता है और हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि आखिर अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है। अगर ये प्रश्न अगर आपके मन में भी उठता है तो चलिए दोस्तों इसका जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन, रूस और अमेरिका के जितने भी कामकाज हैं ना, वो सभी का अनुभव है। इसीलिए एक ऐसा समय आया कि एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दीवाना बना लिया। जब मोदी PM बनने के बाद पहली बार अमेरिका गया, उसी समय नरेंद्र मोदी ठान लिया था कि एस जयशंकर को बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। और कहा जाता है दोस्तों कि एस जयशंकर को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं पसंद करते हैं, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एस जयशंकर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अभी भी कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जयशंकर को 2013 में विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एस जयशंकर को अपने पास नहीं रख सके और नहीं उसे विदेश का सचिव बना सके। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई मजबूरी नहीं था, वो PM बना और सीधा जो है सो एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया। दोस्तों, जब मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय एस जयशंकर अमेरिका के राजदूत थे। नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया था। दोस्तों, एक समय याद कीजिए जब मोदी गुजरात के CM थे, उस समय अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी को भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने बहुत ही अच्छा से उसे स्वागत किया। केवल अमेरिका नहीं, पूरे दुनिया जो है सो नरेंद्र मोदी को अच्छा से स्वागत किया और अभी भी जो है सो कर रहा है। एक समय था जो देश विदेश के लोग मोदी को पूछता भी नहीं था, लेकिन जब से वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने, उस दिन से जो है सो देश विदेश के लोग नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो है सो तरसते हैं। और जब भी नरेंद्र मोदी कभी भी कोई देश आता है तो उसका बहुत ही ज्यादा स्वागत किया जाता है और मान सम्मान किया जाता है। मोदी जब PM बने, सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया, और कहा जाता है कि एस जयशंकर ने जिस तरह से मोदी के दौरे का प्लानिंग किया, से PM मोदी बहुत ही प्रभावित हुए। PM के इस दौरे को काफी सफल माना गया था और इन सभी का श्रेय एस जयशंकर को दिया गया था। और इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में 26 जनवरी को भारत का दौरा किया था, और इस दौरे में भी एस जयशंकर को बहुत बड़ी भूमिका मानी गई थी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अमेरिका, चीन और रूस, ये तीनों देश भारत के लिए बहुत ही अहम है। रणनीति हो या व्यापार, भारत इन तीनों देशों का कभी भी नजरअंदाज नहीं करता, और एस जयशंकर को रूस, अमेरिका और चीन इन तीनों देश में काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है दोस्तों। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इन्हीं अनुभव के कारण एस जयशंकर को आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है सो इतना ज्यादा पसंद करते हैं। 2019 में मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, उसी समय एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाए थे नरेंद्र मोदी। ये बात सही है दोस्तों कि एस जयशंकर को केवल भारत देश के प्रधानमंत्री ही नहीं पसंद करता है, बल्कि अपने पूरे भारत देश के जितने लोग हैं ना, सभी लोग जो है सो एस जयशंकर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, देश के बड़े से बड़े समस्या को वो सॉल्व कर दिया है। ऐसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं अपने भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में, आप मुझे नीचे अवश्य रह दीजिएगा। जय हिंद।